रात्रि में तेंदुए ने हमला कर 20 से 25 भेड़ों को मारा, दो दर्जन से अधिक घायल। खोड़वन चौकी क्षेत्र के ग्राम टपरियान में रात्रि करीब 1:30 पर तेंदुए ने पालतू मवेशियों पर हमला कर दिया। इस हमले में 20 से 25 भेड़ तेंदुए के द्वारा मार दी गई, तो वहीं दो दर्जन से अधिक भेड़ों को तेंदुए के द्वारा घायल किया गया है। सुबह सूचना के बाद वन अमला मौके पर पहुंचा और स्थिति की जाँच कर कार्यवाही प्रारंभ की गई। इस दौरान खोड़ पशु चिकित्सालय के चिकित्सक कई घंटे के बाद मौके पर पहुंचे। अगर पशु चिकित्सा समय पर आ जाते तो संभवतः मरने वाली भेड़ों की गिनती कुछ कम हो सकती थी और उन्हें बचाया जा सकता था। पशु चिकित्सक से देरी से पहुंचने के संबंध में पूछने पर पशु चिकित्सा के द्वारा कहा गया कि मेरे पास 4 पशु चिकित्सालय का प्रभार है, जिसके चलते मैं हर समय हर जगह नहीं पहुंच सकता। साथ ही अपने काम को लेकर भी टालमटोल कार्यवाही करते हुए दिखाई दिए। गरीब किसान के साथ अचानक हुई इस दर्दनाक घटना पर आलोक प्रताप सिंह चौहान एवं खोड़ भाजपा मंडल अध्यक्ष केरन सिंह लोधी ने प्रशासनिक स्तर पर हर संभव आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। खोड़ से संवाददाता आबिद बख्श की रिपोर्ट। वो क्या कहते हैं 1 बजे की घटना, क्या हुआ था? वो मन भिड़न लगा तो उठा उठा पटक देखा। कौन? तेंदुआ। तेंदुआ था? हाँ, तेंदुआ था। आपने अपनी आंखों से देखा? आंखों से देखा, भगा यार। कितने जानवरों को घायल किया है आपके? घायल कदी कम से कम 30 तो घायल है, और जी मरे जी पड़े 10-12। कम से कम 1-1.5 बजे की घटना आई होगी। हम सो रहे थे, सो कर मुझे आवाज़ आई कि जो भेड़ चिल्ला रहे, तो मैं उससे उठा तो फिर मैंने देखा तो वो जंगली जानवर भेड़ों में पकड़ फेंक भी ले, वो कुछ मार दें, कुछ जिंदा है, कुछ घायल भी हुए। कौन सा जानवर था? तेंदुआ था। तेंदुआ था? हाँ। आपने अपनी आँखों से? अपनी आँखों से देखो, भगाया समेत है हमने। इससे पहले कभी कोई ऐसी घटना हुई है? ऐसी आवे तक तो नहीं भाई, पहली बार ऐसी घटना? हाँ, पहली बार हुई है। किसी ने और आसपास देखा कभी इससे पहले कभी तेंदुए को? नहीं, जंगल में देखा, कई लोगों ने कहते हैं तेंदुए रहता है, तेंदुए रहता है। अच्छा। हाँ, अभी आज एक जानकारी मिली है कि यहाँ पास के गाँव में किसी जंगली जानवर के द्वारा भेड़ों पर हमला किया गया, जिसमें कुछ भेड़ें मर गई हैं, तो ये क्या पूरा मामला? ये इसकी हमें जानकारी मिली थी, पास के एक टपरियन गांव है, वहां पर गए थे हम लोग सूचना के आधार पर, तो वहां देखा कि किसी जानवर द्वारा घायल एवं मृत पाई गई हैं कुछ भेड़े हैं, उनको देखने में ऐसा लग रहा है किसी जानवर जंगली जानवर द्वारा खाया गया। वहां पे कोई निशान वगैरह मिले जानवर के? उस स्थल पर जाकर हमने देखा, आस पास खेतों में उसमें उधर जाकर देखा, तो ऐसा लग रहा है कि किसी जानवर के द्वारा निशान पाए गए हैं, पगमार्क भी चिन्हित किए गए हमारे द्वारा, तो ऐसा लग रहा है कि किसी वन प्राणी द्वारा हमला किया गया। इसमें मुआवजे का क्या प्रावधान है? इसका शासन के आधार पर जो मुआवजा है उसको मिलेगा।